नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे के चूरमा। बाजरे का चूरमा राजस्थान में बहुत बनाया जाता है। राजस्थान की चूरमा बाटी दाल बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज मैं हमारे राजस्थान की तरह आपको बाजरे का चूरमा बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए यहाँ मैंने आटा लिया है बाजरे का 500 ग्राम। ये हमारा मोटा आटा है, आटा सूजी की तरह मोटा लेना है हमें। ये देखिए किस तरह का मोटा आटा है हमारा। तो इस तरह का आप आटा लीजिए। बाजरे के चूरमे में अक्सर आटा थोड़ा मोटा लेते हैं। ये हमारा 300 ग्राम गुड़ है, 200 ग्राम हमारी चीनी है। हम गुड़ और चीनी दोनों ही डालते हैं क्योंकि गुड़ में थोड़ा खारापन रहता है, इस वजह से हम इसके अंदर बूरा भी डालते हैं। यह हमारा 200 ग्राम घी है। घी हम आवश्यकता अनुसार डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गेहूं बाजरे का आटा लगाकर तैयार करते हैं। आटा लगाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ी परात ली है, उसके अंदर छलनी रख दी है। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए कितना मोटा आटा है हमारा। ये देखिए हमने आटा छान कर तैयार कर लिया है। तो अब मैं इस आटे को लगा लूँगी। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसका डो तैयार कर लीजिए। थोड़ा गीला रखिए इसे। ये देखिए इस तरह का आटा लगा लिया है हमने। आटा थोड़ा गीला लगाना है ताकि, क्योंकि हमारे बाजरे का आटा मोटा है, तो ये हमारे बाजरे का आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मिनट के लिए रख दूंगी। ये देखिए आटा हमने तैयार कर लिया है। ये थोड़ा गीला रखा है, ज़्यादा कड़क आटा नहीं लगाया हमने, थोड़ा गीला लगाया है। और इसमें पूरा 1 गिलास पानी लग गया है हमारा। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। तक ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं हमारे आटे को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए इसने पूरा पानी सोख लिया है और ये थोड़ा कड़क हो गया है। ये देखिए हमने बिल्कुल ढीला लगाया था, तो हमारा आटा बिल्कुल सही हो गया है, नॉर्मल हो गया है। तो इधर आज हम ओवन पे बाजरे का चूरमा बनाएंगे, तो मैं ओवन गर्म करने रख देती हूँ। ये देखिए हमने मीडियम गैस पर ओवन को गर्म करने रख दिया है। जब तक हमारा ओवन गर्म होता है, हम हमारे आटे को थोड़ा मसल लेते हैं। इस तरह मसल लीजिए। ये देखिए हमने हमारे आटे को अच्छे से मसल लिया है। तो अब मैं इसके आटे के चूरमे के लड्डू बनाना, इसे गोल लोई बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह के हम इसके इसकी गोल गोल लोई बना देंगे। इस तरह की बनेगी, और ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। इस तरह बनाकर हम इसके अंदर रख देंगे। इस तरह की लोई बना लीजिए और लोई बनाकर हम इसे रखते जाएंगे। ये देखिए हमने हमारे सारे रोट बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इधर मैं ओवन देख लेती हूँ, ये बहुत ही गर्म हो चुका है। तो मैं गैस मीडियम कर दूंगी और मीडियम गैस पर हम हमारे रोटों को इस तरह रख देंगे। इस तरह रख दीजिए, हाथों से अच्छे से प्रेस करके इस तरह रख दीजिए और इसे एक तरफ से अच्छे से सिकने दीजिए। जब हम एक तरफ से ये अच्छे से सिक जाएंगे, तब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से सेकेंगे। तो हम 5 मिनट के लिए इसे एक तरफ से सिकने देंगे और इसे खुला ही हमें सेकना है। अभी हम इसे ढकेंगे नहीं। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे एक तरफ से सिकने देती हूँ। ये देखिए हमारा चूरमा एक तरफ से सिक चुका है। तो अब मैं इसे पलट कर दूसरी साइड कर दूंगी और इसी तरह दोनों साइड से हम इसे पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। गैस मैंने मीडियम रखी है।
ये देखिए हमने इसे पानी से पलट दिया है, कई दफ़े बिखर भी जाता है तो आप इसकी टेंशन मत कीजिए, आप इसे धीरे धीरे आराम से पलट लीजिए। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकने दूंगी। गैस मैंने हाई मीडियम रखी है तो आप इसे हाई मीडियम गैस पर ढककर दूसरी तरफ से भी पका लीजिए। पहले हमने बिना ढके पकाया था, अब हम ढक सकते हैं इसे, तो आप ढककर दूसरी तरफ से भी इसे सिकने दीजिए। ये देखिए दूसरी तरफ से हमारा चूरमा कितना अच्छा सिका है। तो अब मैं इसे इस तरफ पलट देती हूँ। इस तरह हम पलट पलट कर इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अब मैं गैस को बिल्कुल मीडियम कर दूंगी और मीडियम गैस पर हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से ढककर पकाएंगे, ढककर सेक लेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से सिक जाए। ये देखिए हमारा चूरमा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस पर ढककर रख दूंगी। 10 मिनट के लिए 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। बाजरे के चूरमे को सिकने में बहुत टाइम लगता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसकी सिकाई हमें अच्छी से अच्छी करनी है। जितनी अच्छी आप सिकाई करोगे चूरमा उतना ही अच्छा बनेगा। 10 मिनट के लिए मैं बिल्कुल सिम गैस पर इसे ढककर सेक लेती हूँ। ये देखिए हमारी चूरमे को 10 मिनट बिल्कुल सिम गैस पर सिकते हुए हुए है। इसका वजन भी जब हम इसे डालते हैं तो इसका वजन ज़्यादा रहता है, और जब ये सिक जाते हैं तो इनका वजन कम हो जाता है। तो हमें इसे आधे घंटे के लिए अच्छे से सेक लिया है दोनों तरफ से। तो अब मैं इसे केवल 5 मिनट के लिए और सेकूँगी और फिर हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा चूरमा सिककर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे चेक कर लूँगी। तो चेक करने का एक सरल सा तरीका बताती हूँ मैं आपको। हम एक बाटी उठाएंगे और इसे इस तरह इसके बीच से तोड़ देंगे, और तोड़कर फिर हम इसे हाथों से इस तरह मसल लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल बिखर गया है। ठंडा होने के बाद हम इसे इस तरह मसल लेंगे। ये बिल्कुल बिखर गया है तो हमारा चूरमा सिककर तैयार है। अगर ये बिखरता नहीं है और इसकी इस तरह आटे की गोली बन जाती है तो हमारा चूरमा अभी नहीं सिका है। तो हमारी चूरमे में थोड़ी कमी है, अभी तक ये नहीं सिका है। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए और सिम गैस पर सेक लूँगी। ये देखिए हमारा चूरमा एकदम सिककर तैयार हो गया है। तो मैं बताती हूँ आपको हमने इसे कितनी देर के लिए सेका है। पहले हमने इसे हाई मीडियम गैस पर दोनों तरफ से पलटते हुए सेक लिया है, और फिर हमने इसे 30 मिनट के लिए ढककर सिम गैस पर सेक लिया है, और बीच बीच में हम इसे चेक करके पलटते रहे। ये एकदम सिककर तैयार है। गैस मैं बंद कर देती हूँ और अब मैं इसे इस तरह तोड़कर ठंडा कर लेती हूँ। हमें इसे मिक्सी में पीसना है। ये देखिए हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसे बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। पीसने में हम इसे दरदरा पीसेंगे। ये देखिए इस तरह का दरदरा पीसना है हमें। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। अगर आप चाहो तो इसे छान लीजिए। थोड़ी मोटी छलनी से आप इसे छान कर तैयार कर लीजिए। इसे ज़्यादा बारीक भी नहीं रखते हैं और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखते हैं। ये देखिए मैं इसे छान लूँगी छलनी से, ताकि इसके अंदर कोई मोटे टुकड़े रह जाएंगे तो हम उसे वापस पीस लेंगे। ये देखिए हमने हमारा चूरमा तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसमें मिलाने के लिए हमारा गुड़ तैयार करती हूँ। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसे गरम कर लेंगे। इसके अंदर हम 3 छोटे चम्मच घी डाल देंगे। घी को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रख लिया था। तो अब मैं इसे गुड़ को इसके अंदर डालकर अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। चलाते हुए मेल्ट करना है हमें। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे नीचे रख लेती हूँ। हमारे चूरमे के अंदर हम जगह बना लेंगे। इस तरह जगह बना लीजिए। और अब हम इसके अंदर हमारा
घी और गुड़ जो मेल्ट किया है वो डाल देंगे। इस तरह डाल लीजिए, ये गर्म रहता है तो इसे चम्मच से हिलाकर चारों तरफ से अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह मिला लीजिए अच्छे से। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। अब हम इसमें हमारी पिसी हुई चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें हमारा सारा बूरा डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हमें हमारे चूरमे में घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं एक चम्मच घी इसके अंदर और डालूंगी। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट कर चूरमे के अंदर डाल देंगे। अभी मेल्ट किया हुआ घी भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब चेक कर लेंगे ये ठंडा है क्या, तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसके लड्डू बना दूंगी। लड्डू बनाने के लिए आप जितने चाहे मोटे बना लीजिए और जितने चाहे छोटे बना लीजिए। मैं लड्डू बनाने के लिए यहाँ इस तरह के हम इसे इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमारे चूरमे के लड्डू बनकर एकदम तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।